हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीकुक। हम मूवी देखने जाते हैं तो लोडेड नाचोस जरूर ऑर्डर करते हैं। तो चलिए आज घर पे ही आलू से बनाते हैं चीजी लोडेड नाचोस। तो मैंने आलू को अच्छे से छीलने के बाद इसे चिप्स जैसे काट लिया है अच्छे से, और 4 से 5 पानियों से अच्छे से धोया है। इस तरीके से देखिए, मैंने अपनी सारी चिप्स पानी में डाली एक एक करके, और इस तरीके से 2 से 4 पानी से इसे साफ सुथरा धो लिया है। और सारी चिप्स को मैंने इस तरीके से धोने के बाद एक कपड़े में इसे अच्छे से सूखने के लिए रखा है। सुखाना बहुत जरूरी स्टेप है। फिर इसे मैं कॉर्नफ्लोर में दोनों तरफ से अच्छे से डिप करके इस तरीके से, देखिए अभी मैं इसमें रफली कर रही हूँ, बाद में दोनों तरफ से करने के बाद मैं इसमें जो एक्सेस कॉर्नफ्लोर है वो हटाऊंगी, वरना मैं जब इसे तलूंगी या मैं एयर फ्राई करूंगी तो ये वाइट रह जाएगा। इस तरीके से देखिए, आप दोनों तरफ से लगाने के बाद इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से देखिए फोल्ड करना है, ये देखिए यह स्टेप है फोल्ड करने का, ऐसे बड़ी आसानी से इस तरीके से। और जो एक्सेस कॉर्नफ्लोर है उसे आप हटा देंगे, और मैं इस तरीके से एयर फ्राई में रख के इसे फ्राई कर लूँगी। 15 मिनट इसे फ्राई होने में लगते हैं। ये देखिए मेरा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे प्लेट में रखने के बाद अच्छे से इसमें डालूँगी नमक, क्योंकि हमने नमक पहले कहीं भी यूज़ नहीं किया था। काली मिर्च, देखिए मैंने काली मिर्च का यूज़ किया है। इसमें डालेंगे आप थोड़ी सी ओरिगैनो, इसके बाद आप यूज करेंगे टमाटो सॉस, चीज सॉस, आप चाहे तो मायोनीज का यूज कर सकते हैं, मैंने चीज सॉस यूज किया है। और इस पे फिर आप क्रिएट करेंगे चीज, और ऊपर से आप डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, आप चाहें तो ऊपर से जो भी आपको सॉस पसंद हो वो भी डाल सकते हैं। तैयार है हमारे लोडेड नाचोस, चीजी नाचोस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।